नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि को कैसे पहचाने। सबसे आसान ट्रिक, अभी तक आपने संधि पढ़ी होगी, आपको संधि समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम संधि को बहुत ही आसान ट्रिक से जानने वाले हैं। दोस्तों आप संधि शब्द को देखेंगे और संधि को बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि की परिभाषा हम देखते हैं कि स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये परिभाषा स्वर संधि की है कि स्वर के साथ स्वर का जो विकार हो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि के पांच भेद हैं। कितने भेद हैं? पांच भेद हैं स्वर संधि के। सबसे फर्स्ट है दीर्घ संधि, सेकंड है गुण संधि, थर्ड है वृद्धि संधि, फोर्थ है यण संधि और फाइव है अयादि संधि। तो दोस्तों इनको समझने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ये उस समय तो समझ में आ जाते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो आज हम बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि की जो ट्रिक हमने बनाई है वो बनाई है कि दीर्घ मतलब क्या होता है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। और बड़ा से एक ट्रिक निकल के बाहर आती है कि किसी शब्द में दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचाना जाए। तो यहीं से हमें ट्रिक दिख रही है कि बड़ा यहां पर लिखा है, मतलब हमारी जो ट्रिक बनती है वो बनती है कि बड़ी मात्रा हो। जब शब्द में कोई बड़ी मात्रा आए तब वहां पर क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। बड़ी मात्रा से तात्पर्य क्या है? जैसे बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, इस प्रकार से जो बड़ी मात्रा शब्द में आएगी वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो सबसे पहले जो उदाहरण है वो है नवागत। नवागत मतलब यहां पर वा में क्या आ रहा है? वा में बड़े आ की मात्रा आ रही है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। उसी प्रकार भानुदय, भानुदय में जो है क्या आ रही है? बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, साथ ही बड़े आ की भी मात्रा आ रही है, तो यहां पर भी क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगी। और नेक्स्ट परीक्षा, तो परीक्षा में बड़े ई की मात्रा आ रही, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और मुनींद्र की बात करें तो मुनींद्र में भी बड़े ई की मात्रा यहां पर आ रही है। तो दोस्तों हमने देखा कि अधिकतर सेकंड शब्द अक्षर जो होता है उसमें बड़े बड़ी मात्रा आती है। दोस्तों ये ट्रिक है और 95% ये ट्रिक सही मतलब होगी। अधिकतर 95%, 5% ये ट्रिक गलत भी साबित हो सकती है, लेकिन 95% ये ट्रिक सही होगी। तो हमने दीर्घ स्वर संधि की जो ट्रिक बनी कि बड़ी मात्रा जहां पर आए वहां पर क्या होगी? ये दीर्घ स्वर संधि होगी। अब आपको कभी गलत आप नहीं कर सकते, नवागत आ जाए या भानु तक कुछ भी आ जाए, तो हमें क्या देखना है कि बोले बड़ी मात्रा आई है तो वहां पर क्या होगी? बोले दीर्घ स्वर संधि यहां पर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। गुण स्वर संधि आप कभी नहीं भूल सकते और ऐसी ट्रिक जो है बहुत ही अच्छी है। और जो हमने ट्रिक बनाई है वो क्या है? ए की मात्रा या ओ की मात्रा, यहां पर दिख रहा होगा ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा, एक मात्रा लगी हो कहीं पर भी, किसी भी शब्द में जहां पर एक मात्रा लगी हो, चाहे ओ की मात्रा हो चाहे ए की मात्रा, मतलब यहां पर एक मात्रा दिख रही, ओ की मात्रा भी एक मात्रा है और ए की मात्रा भी क्या है? एक मात्रा ही है। तो एक मात्रा जिस शब्द में लगी हो वहां पर गुण स्वर संधि होगी। किसी भी शब्द में ए की मात्रा ओ की मात्रा हो वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। दोस्तों आप देख लेना और अभी हम लास्ट में अच्छे से पढ़ना, आपसे जो प्रश्न है संधि से संबंधित वो प्रश्न भी आपसे पूछेंगे और आप फटाक से बता देंगे। तो सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी, वहां पर बड़ी की मात्रा आ रही थी, अब गुण स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या आ रहा है? एक मात्रा आ रही है, चाहे ए की मात्रा आए या ओ की मात्रा आए, शब्द में अगर एक मात्रा आ रही है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। देखें बीरोदय, बीरोदय में अगर हम बात करें तो रा में जो है ओ की मात्रा आ रही है जो कि एक मात्रा है। क्या है? एक मात्रा, दो मात्रा तो नहीं दिख रही यहां पे,
तो एक मात्रा आ रही है इसमें विरोधय में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी। वैसे ही देखें परमेश्वर, परमेश्वर में भी एक मात्रा आ रही है तब भी गुण स्वर संधि होगी, और महोदय की बात करें तो महोदय में भी एक ही जो है क्या आ रही है, मात्रा आ रही है, तो यहां पर भी गुण स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों। तो एक मात्रा जहां पर आए, चाहे ओ की आए या फिर ए की आए, एक मात्रा आए वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की जो ट्रिक है वो है दो मात्राएं लगी हो, दो मात्राएं लगी हो। हमने गुण स्वर संधि में एक मात्रा पढ़ी, अब वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि हो गई एक की, तो दो मात्राएं हो गई। तो वृद्धि स्वर संधि में जो हमारी ट्रिक है वो है दो मात्राएं, जैसे आई की मात्रा, मतलब यहां पर दो मात्रा आ रही हैं, औ की मात्रा तो यहां पर दो आ रही हैं, तो आई की और औ की दो दो मात्राएं, दो मात्राएं जहां पर आ रही हैं वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। जहां शब्द में आई की या फिर औ की मात्रा लगी हो वहां वृद्धि संधि होगी। जैसे अगर हम बात करें सदैव, एकैक, दंतौष्ट और बनौष्टि, तो इसमें क्या आ रहा है, दो मात्राएं आ रही हैं, इसमें भी दो मात्राएं, इसमें भी दो मात्राएं, इसमें भी दो मात्राएं और इसमें भी दो मात्राएं आ रही हैं दोस्तों। तो यहां पर सदैव देख लें या फिर एकैक, दंतौष्ट या बनौष्टि देखें तो यहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी, क्योंकि जो हमारी ट्रिक है वो बोल रही है कि दो मात्राएं जहां पर आएंगी वहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। तो इस प्रकार से वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। हमने दीर्घ संधि पढ़ी जहां पर बड़ी की मात्रा आ रही थी, गुण स्वर संधि पढ़ी जहां पर एक मात्रा आ रही थी, वृद्धि स्वर संधि पढ़ी जहां पर दो मात्राएं आ रही हैं। तो ये दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लग रही है, हमारा प्रयास कैसा लग रही है, या हमने बहुत ही मेहनत करके ये जब शब्द देखे वहां से कि कैसे मतलब इसकी ट्रिक निकाली जाए, तो हमें लगा कि इस प्रकार की ट्रिक जो है 95% सही हो सकती है दोस्तों। तो आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, और आप भी एक बार आजमा के देख लें, अधिकतर उदाहरण ऐसे होंगे जहां पर ये ट्रिक जो है सही साबित होगी दोस्तों। तो अब बात करें हम यण स्वर संधि की। यण स्वर संधि की बात करें तो हमारी जो ट्रिक है वो है शब्द में या वा रा के पहले आधा शब्द हो, या के पहले है हो आधा शब्द, वा के पहले हो या फिर रा के पहले अगर कोई आधा शब्द आता है वहां पर कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। जिस शब्द में या वा रा के पहले आधा शब्द आए वहां यण स्वर संधि, यण स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों। बात करें उदाहरण की तो सबसे पहले हम देखें इत्यादि, इत्यादि में या के पहले क्या आ गया, आधा ता आ गया, मतलब या के पहले आधा शब्द आ गया, तो इसमें कौन सी शब्द होगी, संधि होगी, बोले यण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट देखें प्रत्येक, तो या के पहले क्या आ गया, बोले आधा शब्द आ गया, तो इसमें भी कौन सी संधि होगी, बोले यण स्वर संधि होगी। स्वागत की बात करें तो वा के पहले आधा सा आ गया, मतलब आधा शब्द आ गया, तो भी यण स्वर संधि होगी। और दिव्य अर्पण पे बात करें तो या के पहले आधा वा आ गया, तो यहां पर भी स्वर संधि होगी दोस्तों। तो हमारी जो ट्रिक हमने बनाई है वो है कि या वा और रा के पहले कोई अगर आधा शब्द आए वहां पर कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो यहां पर हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि और यण स्वर संधि के उदाहरण यहां पर देख चुके और ट्रिक देख चुके हैं दोस्तों। तो अब आपको ये चीज याद हो गई होगी, संधि आप ये कभी नहीं भूल सकते। नेक्स्ट देखें अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की जो ट्रिक हमने बनाई है वो है आय, आय, आओ और आओ उच्चारण। अगर शब्द में इस प्रकार से आय का उच्चारण आए, आय का उच्चारण हो, आओ का उच्चारण हो या फिर आओ का उच्चारण हो, तब वहां कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी, और साथ ही ए की, ओ की, आई की और औ की मात्रा नहीं होगी उस शब्द में। आप देख लेना कि उस शब्द में ए, औ, आई और औ की मात्रा नहीं आएगी, और उच्चारण होगा आय, आय, आओ, आओ, और अधिकतर जो शब्द होंगे अयादि संधि के वो तीन अक्षर के होंगे, अधिकतर होंगे, चार के भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतर शब्द तीन ही अक्षर के होंगे दोस्तों। तो बात करें उदाहरण की तो सबसे पहले हमने रखा सयन, तो सय, सय, तो सय में क्या आ रहा, आय आ रहा है, तो यहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। फिर देखें गायक, तो गायक में क्या आ गया, आय, गाय, तो आय आ रहा, तो आय आ रहा है उच्चारण, तो क्या होगी, अयादि संधि होगी। नायिका की बात करें तो नाय, मतलब नाय, तो आय आ रहा, तो आय, तो नायिका में क्या होगा, अयादि संधि यहां पर भी हो जाएगी। देखें पावक, तो पाव, मतलब आब आ रहा, आब, तो आब उच्चारण आ रहा है,
तो पावक में भी कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। और यहां पर उदाहरण में आप देख ले, कहीं भी ए औ आई और औ की मात्रा नहीं आई है, और सारे शब्द कितने अक्षर के हैं? 3 अक्षर के हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने स्वर संधि के 5 उदाहरण देखे और 5 उदाहरण की ट्रिक हमने बताई, जिन्हें कि आप 2 सेकंड में अगर देखेंगे आप शब्द को और उस संधि के बारे में बता देंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न उत्तरी के बारे में कि आपने क्या सीखा है। ये उदाहरण देखिए, ट्रिक देखिए, इसके बाद आपने क्या सीखा है। तो सबसे पहले जो उदाहरण रखा है कि महेंद्र में कौन सी संधि है। दोस्तों आप इसको देखें, महेंद्र, तो महेंद्र आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या मात्रा आ रही है, 1 मात्रा आ रही है महेंद्र में। कौन सी मात्रा आ रही है? 1 मात्रा आ रही है। तो हमने ट्रिक पढ़ी थी कि जहां पर 1 मात्रा आए शब्द में वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट देखें, मायाधीन में कौन सी संधि है? तो मायाधीन, मायाधीन में क्या आ रही है? बड़ी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है, बड़े आ की मात्रा आ रही है। यहां पर भी बड़ा आ की मात्रा आ रही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर बड़ी मात्रा आए या जो मात्राएं हैं वो बड़ी आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, तो मायाधीन में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है अत्यल्प, अत्यल्प में कौन सी संधि है? दोस्तों आप बताएं, तो अत्यल्प, अत्यल्प में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था है? कि या वा और रा के पहले कोई आधा शब्द आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। तो उसी तरह अत्यल्प की अगर हम बात करें तो या के पहले आधा ता आ रहा है तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है पवन, तो पवन में कौन सी संधि है? तो पवन में आप बताएं कौन सी संधि हो जाएगी पवन में? तो दोस्तों पवन, तो पवन जब हम उच्चारण करें तो क्या पव, तो अव, अवारा। तो हमने पढ़ा था कि अगर आए आओ आओ और आप अगर उच्चारण में आए तब वहां कौन सी संधि होगी? वहां पर जो संधि होगी वो अयादि स्वर संधि होगी। अयादि स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि वहां पर ना तो ए की मात्रा होगी, ना ओ की मात्रा, ना औ की, इस प्रकार से कोई मात्रा नहीं होगी। और जो शब्द होगा वो कितने अक्षर का होगा? 3 अक्षर का होगा। तो सारी ट्रिक जो है यहां पर लागू हो रही है। बोले उच्चारण में आव आ रहा है, आव आ रहा है, और यहां पर कोई मात्रा नहीं है, और जो शब्द है वो भी 3 अक्षर का होगा, तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखें मतैक, मतैक में कौन सी संधि है? तो आप बताएं मतैक में कौन सी संधि हो जाएगी? तो देखते हैं दोस्तों कि मतैक, मतैक में क्या आ रहा है? 2 मात्राएं आ रही हैं। हमने पढ़ा था कि 1 मात्रा जहां आए वहां पर गुण स्वर संधि हो जाएगी, और 2 मात्राएं जहां पर आए वहां पर कौन सी संधि होगी? बोले सर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। 2 क्योंकि गुण में 1 मात्रा आ रही थी, और वृद्धि की बात करें तो 1 की वृद्धि और हो गई, 2 मात्राएं हो गई, तो मतैक में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने स्वर संधि के बारे में आज पढ़ा, ट्रिक से पढ़ा। दोस्तों हमें आशा है कि आप ये ट्रिक जो है आपको याद हो गई होगी, और आप स्वर संधि कभी नहीं भूल सकते। अब आप शब्द देखकर ही संधि के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? दोस्तों ये ट्रिक हमने निकाली है, और ये 95% ट्रिक जो है सही साबित होगी, और आप ये ट्रिक कभी नहीं भूल सकते, ऐसी हमें आशा है दोस्तों। और आपको हम बता दें कि हमारा YouTube चैनल IAS स्टडी ट्रिक और सेल्फ स्टडी क्लासेस, 2 YouTube चैनल हैं, IAS स्टडी ट्रिक है और सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये 2 चैनल हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब का बहुत ही महत्व होता है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो है हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, और साथ ही जो साइड में बेल आइकन का बटन दिया होगा उस पर क्लिक जरूर करें दोस्तों। इससे क्या है कि इन्फॉर्मेशन वीडियो की आप तक पहुंचेगी, घंटी बजेगी आपके मोबाइल में, तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद।